अज सरकार चल रही है वो किसानों के हरेक बंदे के हित लिए वेलफेयर लिए काम कर रही है। नंबर एक अगर उतो डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट करूंगे और किसी का जेड़ा नज़र आएगा वो तो कोई नुकसान होया वो तो डेफिनेट सरकार करेगी अपना। लोग इन तरसयोग हालत है मैडम मंजू राणा बैठे है सारा लोकल प्रशासन बैठा किसी की कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही पशु पेश फसिया पूरे पंजाब ही है और एनओसी की लैटर लैके जो तीन तहसीलदार सरकार करते ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਐਨ ਓ ਸੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਜੈਨੂਅਨ ਆ ਦੇ ਆਰ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਐਨ ਓ ਸੀ ਫੋਰ ਦਾ ਆਲ ਪਰਪਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੋਂਗ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਾਈ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਂਡ ਬਟ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਦੈਮ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਐਨ ਓ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਐਨ ਓ ਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ और असी उन्हों बकायदा वह चार्ट जोड़ा ना कोल पिया हरेक तहसील च पिया इतने लोड़ नहीं है जिते वह डिनाई करता करन तो एक सिंपल तुसी मेल या फोन करना भी इतने रजिस्ट्री एन ओ सी की नहीं जरूरत है और नहीं कर रहा तुरंत उसके खिलाफ एक्शन पूछो अनऑथराइज कॉलोनियां डेवलप हुई 15,000 तो उत्ते नुकसान किन्हां नूं होया खरीददारां नूं होया असीं क्यों रोकिया मेरी गल सुनना ब्रदर प्रभाव कितने कल को सीवर है लाइटा है कोई प्लॉट सड़क बेच गया तो कोई पार्क बेच गया देखो गल अगर असी किया तो अच्छा काम करने की कोशिश की डिपार्टमेंट ने और इन डेफिनेटली भी जिते नहीं लोड़ है उत्तर बिल्कुल नहीं रुकेगी। डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे है और ये अपने जो भी ऑफिसर डिप्यूट करते एस डी एम एडीसी करते हैं नाल लैके किसी की रजिस्ट्री नहीं है तुम स्पैशल सब तो बुलाओ जी टाइम दे दो YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.